हेलो स्टूडेंट्स, ये हमारा सेकंड पेपर का फर्स्ट चैप्टर है, निबंध। सेकंड पेपर में आपके जो भी सब टॉपिक लगे हैं वो निबंध और अन्य विधाओं से संबंधित हैं, तो इसलिए पहले हम पढ़ेंगे कि निबंध क्या होते हैं और जो इससे संबंधित अन्य विधाएं हैं जैसे संस्मरण, रिपोर्टाज और इसी तरह की जो और भी विधाएँ हैं उसके बारे में पहले हम जानेंगे कि वो क्या होते हैं। तो इस लेक्चर में हम सबसे पहले देखते हैं कि निबंध क्या होता है, कि उसके अर्थ क्या है, परिभाषा क्या है और उसके प्रकार क्या हैं और उसके तत्व कैसे क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि निबंध होता क्या है। तो निबंध शब्द की जो व्युत्पत्ति है वो नी उपसर्ग पूर्व बंध धातु या शब्दांश से मानी जाती है। नी का अर्थ है विशेष प्रकार से, भली भांति या उचित ढंग से, और बंध का अर्थ है बांधना, अर्थात विचारों को विशेष ढंग से, विशेष दृष्टि से प्रस्तुत करना ही निबंध कहलाता है। और निबंधों के में विचारों का एक कसावपूर्ण तारतम्य होता है, होना चाहिए, साथ ही सुसंगठन और सुबद्धता भी होनी चाहिए। और हिंदी साहित्य के आधुनिक काल की जो सबसे महत्वपूर्ण विधा है वो निबंध ही है। और निबंध के अंतर्गत एक तरीके से कहना चाहिए कि आधुनिक काल की ही ये नहीं, ये इसका जन्म हुआ था एक तरीके से भारतेंदु जिजवा द्वारा, तो इसीलिए इसका जो सबसे पहले जो इसका प्रयोग हुआ था आधुनिक काल में, उसके बाद से इसका जो महत्व है वो निरंतर बढ़ता जा रहा है। संस्कृत साहित्य परंपरा में भी शब्द को देखा जा सकता है, पर वर्तमान प्रचलित जो निबंध है वो अंग्रेजी के ऐसे का पर्यायवाची है, जहाँ इसका अर्थ जो है वो प्रयास, प्रयोग और परीक्षण है। इसके अलावा यूरोपियन साहित्य में निबंध का जो जनक है उसे मॉन्टेन को माना गया है। और मार्च 1580 में फ्रांसीसी लेखक मॉन्टेन ने कुछ निबंध लिखे थे जिनका उन्होंने प्रयास नामकरण किया था, मतलब जो निबंध उन्होंने लिखे थे उसका नामकरण उन्होंने किया था प्रयास। और इसी जो निबंध है उसकी भूमिका में इन्होंने लिखा था कि इस संग्रह की रचनाएं मेरे आत्मचित्र हैं, मैं अपनी पुस्तक की भूमिका खुद हूँ। तो मॉन्टेन के इस वाक्य को सभी विद्वानों ने स्वीकार किया था। एक तरीके से कहा जाए तो निबंध जो है वो यूरोपीय जो साहित्य है उसमें मॉन्टेन को निबंध का जो जनक एक तरीके से माना जाता है। अब देख लेते हैं इनकी कुछ निबंध की कुछ परिभाषाएं। वास्तव में निबंध एक ऐसी विचार प्रधान रचना है जिसमें तर्क संगत भाषा शैली से विषय का निरूपण किया जाता है। इसकी कुछ परिभाषाएँ इस प्रकार से, सबसे पहले हम जो परिभाषा लेते हैं वो मॉन्टेन की ले लेते हैं, जो कि इनकी जो कि जनक माने जाते हैं निबंध के। तो मॉन्टेन के अनुसार इच्छित विषय के निरूपण के प्रयास का नाम ही निबंध है। और बेकन के अनुसार विच्छिन्न चिंतन को लिखित रूप से निबंध कहते हैं। आचार्य शुक्ल ने भी इसको परिभाषित किया है, उन्होंने कहा है कि यदि गद्य कवियों की कसौटी है तो निबंध जो है वो गद्य की। ये जो इनकी परिभाषा है रामचंद्र शुक्ल की, ये बहुत ज़्यादा फेमस हुई थी, एक तरीके से निबंध के जो कोटेशन के तौर पे से इस्तेमाल किया जाता है। और अक्सर ये पेपरों में पूछ ली जाती है कि ये जो परिभाषा है कि यदि गद्य कवियों की कसौटी है तो निबंध जो है वो गद्य की है, तो ये जो कोटेशन के तौर पे पूछ लिया जाता है कि ये किसने लिखी थी, किस संबंध में लिखी थी। अगली जो परिभाषा है वो है श्याम सुंदर दास की, उनके अनुसार निबंध वह लेख है जिसमें किसी गहन विषय पर विस्तार पूर्वक और पांडित्य पूर्वक जो ढंग से विचार किया गया हो। इस प्रकार से हम देखते हैं कि बहुत सारे जो आचार्य हैं, बहुत सारे जो लेखक हैं, उन्होंने निबंध को अपने अपने तरीके से परिभाषित किया है। इसके अलावा और भी बहुत सारे जो आचार्य हैं उन्होंने निबंध को परिभाषित किया है, जैसे कि बाबू गुलाब राय और रामदत्त भारद्वाज मरे अंग्रेजी कोश के अनुसार। तो इस प्रकार से बहुत सारी जो परिभाषाएँ हैं उन्होंने निबंध को अपने अपने अनुसार जो है परिभाषित किया है। इन सारी परिभाषाओं का जो निष्कर्ष निकलता है वह यह है कि निबंध में लेखक के व्यक्तित्व की छाप जो है वो अवश्य ही रहती है। इसलिए निबंध जो है एक ऐसी सुसंगठित गद्य रचना है जिसमें लेखक स्वच्छंदता के साथ अपने भावों और विचारों की सरिता प्रवाहित करते हुए जगत के प्रत्येक अंग पर जो है वो दृष्टि रखता है।
तो इस प्रकार से हमने देखा कि निबंध क्या होता है और निबंध की परिभाषा क्या होती है। अब हम बात करेंगे निबंध के तत्वों के बारे में कि निबंध के कौन से जो तत्व हैं जो उसमें होने आवश्यक हैं। और निबंध के लक्षणों की चर्चा करते हुए साहित्य कोश में कहा गया है कि निबंध के लक्षणों में स्वच्छंदता साथ लेखक के व्यक्तित्व आत्मनिष्ठ दृष्टिकोण का भी उल्लेख किया जाता है। तो यही जो लक्षण है निबंध के निर्णायक तत्वों का निर्धारण करते हैं, जिसमें से पहला है व्यक्तिकता। व्यक्तिकता व्यक्तित्व का मतलब है कि निबंध में लेखक के व्यक्तित्व की झलक अधिक होती है, मतलब लेखक का अपना स्वयं का जो व्यक्तित्व है वो निबंध में झलकता है। वो क्या सोचता है, किस तरह की विचारधारा को वो ज़्यादा मानता है, ये सब जो है वो निबंध में झलकता है, दिखाई देता है। और ये व्यक्तिकता जो है व्यक्ति सापेक्ष होती है, मतलब हर एक इंसान के अनुसार ये अलग अलग होती है। अच्छा, रामचंद्र शुक्ल ने कहा है कि आधुनिक पाश्चात्य लक्षणों के अनुसार निबंध उसी को कहना चाहिए जिसमें व्यक्तिक अर्थात व्यक्तिगत विशेषता हो। निबंध में लेखक जो कुछ भी लिखता है वह अपने व्यक्तिगत अनुभव, घटनाओं और विषयों के संबंध में एक विशिष्ट प्रकार की संवेदना और विषय जो है दृष्टिकोण में से लिखता है। नेक्स्ट है हमारा एक सूत्रता। निबंध का ये प्रमुख तत्व है, निबंध में विचार सुसंबद्ध होने चाहिए। अपने मन में अनेक भावों और विचारों के उदित होने पर निबंधकार का एकाग्र होकर भावों विचारों की भीड़ से केंद्रीय विचार को प्रौढ़ बनाने में सक्षम होना जरूरी है। इससे निबंध में प्रभाव उत्पादकता पैदा होती है। इस संबंध में डॉक्टर विजेंद्र स्नातक ने भी लिखा है कि निबंध में वर्णित बातें एक दूसरे से कितनी भी असंबद्ध क्यों न लगे उनमें एक सूत्रता होनी ही चाहिए। अगर निबंध में विचार जो है वो बिखरे हुए होंगे तो वो निबंध नहीं कहलाएगा। निबंध वो तभी होगा जब उसमें विचार जो है वो एक सूत्र में बने हुए हों। नेक्स्ट जो तत्व है वो है स्वच्छंदता। निबंधकार को इस दृष्टि से भी छूट होती है कि वह विषय का पूर्ण प्रतिपादन करे या ना करे, मतलब उसकी इच्छा पर ही निर्भर करता है कि वो विषय का पूर्ण रूप से स्पष्ट करे या उसे अधूरा छोड़ दे। वह अपनी रुचि के अनुसार विषय के किसी भी पक्ष को चुनकर अपने विचार जो है वो व्यक्त कर सकता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार निबंध लेखक अपने मन की प्रवृत्ति के अनुसार स्वच्छंद गति से इधर उधर पटी हुई सूत्र शाखाओं पर विचारता चलता है। मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि जो कवि या लेखक जो लिख रहा है वो उसे वो पूरी तरह से स्पष्ट ही करे, वो सारी जो शाखाएँ हैं उनमें अलग अलग तौर पर अपने विचार दे सकता है। साहित्य कोश के अनुसार निबंध की अनियमितता में भी एक नियम है और उसकी अव्यवस्था में भी एक व्यवस्था है। यानी कि ज़रूरी नहीं है कि जो लेखक है वो व्यवस्था बिल्कुल अलग अलग जो उसके विचार हैं उसे एक ही विचार वो मतलब एक ही विचार को वो अलग अलग तरीके से पेश कर सकता है या फिर वो अलग अलग जो इस शाखाएँ हैं उस पर अपने विचार दे सकता है। मतलब कहने का मतलब यह है कि अनियमितता तो हो सकती है लेकिन वो भी नियम के अनुसार, और साथ ही अव्यवस्था भी हो सकती है जो कि व्यवस्थित होनी चाहिए। नेक्स्ट है हमारा संक्षिप्तता। संक्षिप्तता निबंध का एक विशेष तत्व है। अनावश्यक विस्तार निबंध को बिखरा देता है तथा अपेक्षित प्रभाव उत्पन्न करने में असमर्थ रहता है। निबंध का विस्तार जो है वो विषय के अनुरूप होना चाहिए। अगर अनावश्यक विस्तार हो जाता है तो निबंधकार जो है वो प्राय समाज शैली का आश्रय लेता है इस अनावश्यक विस्तार से बचने के लिए, क्योंकि संक्षिप्तता जो है समाज शैली का गुण है, इसलिए संक्षिप्तता होना निबंध के लिए बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट हमारा कलात्मकता। भाषा और प्रतिपादन शैली के द्वारा निबंधकार निबंध में कलात्मकता लाने का प्रयास करता है। इसके लिए वे हास्य, व्यंग्य, लाक्षणिकता और अलंकारों का प्रयोग तो करता ही है, सुंदर उक्तियों और ध्वनि प्रभाव द्वारा भी अपनी रचनाओं को सजीव, रोचक और प्रभावशाली बनाने का वो प्रयत्न करता है। और अपनी प्रतिभा और कलात्मकता से वे सामान्य से सामान्य विषय को असामान्य, तुच्छ से तुच्छ वस्तु को भी महत्वपूर्ण एवं नीरस से नीरस विषय को भी रोचक बना देता है। मतलब ये उस लेखक की एक तरीके से कलात्मकता या उसकी प्रतिभा पर निर्भर करता है कि वो विषय को किस स्तर तक ले जाता है। नेक्स्ट है हमारा आत्मीयता। आत्मीयता सफल निबंध के लिए पाठक के साथ लेखक की आत्मीयता का होना भी आवश्यक है। निबंधकार पाठक के साथ एक संभाषणकर्ता के समान बातचीत करता चलता है।
पौराणिक कथा प्रसंगों का हवाला देता है, बीच बीच में मीठा और तीखा व्यंग्य भी करता है। वह अपने और पाठक के बीच ऐसे विनोदमय वातावरण का सृजन करता है कि लेखक और पाठक जो है आपने सामने होते हैं ऐसा महसूस देता है, और वह जो कुछ कहना चाहता है वो सीधे पाठक से कहता है। तो ये तो थे निबंध के तत्व, और आज के लिए इतना ही। इसके आगे जो हैं हम अगले लेक्चर में करेंगे। देखिए, थैंक यू।